चलिए तो आज हम टॉपिक की बात करते हैं और बच्चों को एक छोटा सा लॉस ऑफ एलसीएम के बारे में आज हम क्लास ले रहे हैं और सभी लोग हमारे बीच हैं और हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं समय को बिना गंवाए हुए। अगर हमारे चैनल पर जो बच्चे नए हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपको हर वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम समय को बिना गंवाए हम आते हैं टॉपिक पे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक LCM, जिसको गांव में या हिंदी मीडियम के बुक में लघुत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्तम को लॉसो कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पहला लॉसो सीखेंगे। लॉसो सीखेंगे जैसे देखो 10, 20, 40, 80, है ना, ये लॉसो है। इसको क्या कहते हैं? इस लॉसो को बनाने के लिए सबसे पहले होता क्या है, सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटी टेबल हो हमारा, उस टेबल से इसको काट के तोड़ के देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले सबसे छोटा टेबल, सबसे छोटा टेबल यहाँ दो से देखेंगे काट के। क्या करेंगे? दो से। तो हम चेक करेंगे दो से कट रहा है इसमें, दो से भाग देंगे तो दस कट जाएगा, दो से भाग देंगे तो कई दस के बार में पांच बार में कट जाएगा, दो दाहिर बीस कट जाएगा, दो बीस चालीस, दो चालीस अस्सी। अब चेक करेंगे पुनः यह संख्या जो सेकेंडरी लाइन में आ चुका है यह कितना से कटेगा। दो से अगर कट रहा है तो ठीक, नहीं कट रहा है तो और ठीक। हम तीन से चेक करेंगे, चार से चेक करेंगे, पाँच से चेक करेंगे, लेकिन चेक करेंगे छोटा संख्या से। तो अभी दो से चेक करके देखो, दो से पाँच कटेगा लेकिन दस तो कट जाएगा, बीस तो कट जाएगा, चालीस भी कट जाएगा। जब दो संख्या कट जाए तो उस संख्या को हम लॉसा में लगा सकते हैं। तो यहाँ दो से देखो पाँच नहीं कटा लेकिन दो पंचे दस कट गया, दो दाइन बीस कट गया, दो बिशन चालीस कट गया। अब फिर चेक करेंगे दो से कटने वाला है, कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, दस नहीं कटेगा, बीस नहीं कटेगा, कट रहा है दो को ना, तब आँख मुन के लगा देंगे दो से, पाँच का पाँच, पाँच का पाँच, दो पंचे दस, दो दाहिन। अब चेक करेंगे यह कितना से कटने वाला है, या दो से कटेगा, एक संख्या कट रहा है तो नहीं लगाएंगे, तीन से नहीं, चार से नहीं, पांच से नहीं, पांच से कट रहा है तो पांच से लगा देंगे, पांच एक कन पांच, पांच एक कन पांच, पांच एक कन पांच, पांच दुना। अब देखेंगे कि अब कटने वाला है किसी संख्या से नहीं, तो यह लॉसो यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम, दो गुने दो गुने दो गुने पांच गुने दो। कहोगे सर एक कहाँ गया, तो एक को छोड़ सकते हैं, एक को अगर हम किसी संख्या से गुना करेंगे तो वह उतना का उतना ही रहेगा, पांच को एक से करेंगे कितना, छह हो जाएगा, एक के ना रहेगा तो एक ही रहेगा, इसीलिए एक को हम गुना में नहीं लिखे। ठीक, अब इसको गुना करो। ई गुना कैसे होता है, तो ई नॉर्मल गुना से अलग होता है। ई गुना होगा कैसे, तो देखो दो दूना तो ई चार बन गया, चार दूना आठ, आठ पंचे चालीस, चालीस दूना अस्सी। गुना करने के लिए कह रहे हैं ये इस तरीके का गुना होता है। ठीक है, दिक्कत नहीं किसी को। चलो अगला हम देखते हैं, चालीस साठ अस्सी और एक सौ का लॉसो निकालेंगे। सब बच्चा ध्यान दे के पढ़ोगे, ठीक है, दो से चेक करो कटेगा, फिर नहीं कैसे चेक किया तुम, दूसरा नहीं कटेगा, दो दूना चार, दो तीन छह, दो चौका आठ, दो पंच दस, खाली कट रहा है। चेक करोगे कभी भी लॉसो बनाओगे छोटी से छोटी टेबल से काट के पहले चेक करोगे तब आगे बढ़ोगे। अब इसको पांच से काटोगे सब कट जाएगा, चार से काटोगे फिर भी कटेगा और संख्या। पहले क्या चेक करना है, छोटी टेबल से काट के चेक करेंगे, सबसे छोटा जो टेबल होगा उससे हमारा अगर संख्या दो को भी कट रहा है तो हम उसको पहले लगाएंगे। ठीक है, यहाँ दो से देखो, दो बीसन दो तीसन साठ, दो से यहाँ चालीस बार में कट जाएगा, कहोगे दो से पचास बार में ही कट जाएगा,
अब कर दिए। अब देखो दो से लगेगा, बिल्कुल लगेगा, तो दो से फिर लगाएंगे। दो दाइन बीस, दो पंद्रह तीस, दो बीसन चालीस, दो पच्चीसन पचास। अब ही देखो रे, अब दो से लगेगा, फिर भी लगेगा। देखो कहाँ लगेगा, दो से, दो पंचे दस, पंद्रह नहीं तो सेम टू सेम, दो दाइन बीस और पच्चीस नहीं तो सेम टू सेम। अब देखो दो से लगेगा लेकिन एक को संख्या में लगेगा, तो हम उसको नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम दूसरा नहीं लगा, तीन से चेक करेंगे। तीन से पांच कटेगा, पंद्रह कटेगा, दस कटेगा, पच्चीस, तो एक को पंद्रह कटा तो हम तीन से भी, चार से कोनो कटवे नहीं करेगा। पांच से चेक करेंगे, पांच एक कन पांच, पांच तिया पंद्रह, पांच दूना दस और पांचे, आप इसको घेर दिए। लेकिन कटेगा कुछ, कोनो का इनसे लगेगा, ये तीन से कटेगा, ये दो से कटेगा, ये पांच से कटेगा, ये एक से कटेगा, मतलब सब अलग अलग है, तो ये हम नहीं घेरेंगे। समझ में आ गया, इसको ऐसी छोड़ देंगे, ठीक है। अब दो गुने दो गुने दो गुने पांच गुने तीन गुने दो गुने पांच, दो दुना चार, दुना आठ, पंचे चालीस, चालीस हो गया। गुना करोगे बारह सौ आ जाएगा। दो दुना चार, दुना आठ, पंचे चालीस, यहाँ पे आके कितना आ गया, चालीस। गुना पाँच दुना दस दिया तीस, यहाँ आके क्या हो गया, इतना गुना किया तीस, इतना गुना किया तो चालीस, चार दिया बारह, दो को जीरो तो दो को बारह सौ, इसीलिए बारह सौ आ गया। यह मैथ का गुणा करने का तरीका, ठीक है। किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हो।